नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैन। लोकसभा चुनाव के चलते काफी समय से ये कयास लगाए जा रहे थे कि जिस तरह से इस बार बीजेपी ने शाहनवाज हुसैन को पार्टी से दरकिनार कर रखा है, उसको देखते हुए ये लग रहा है कि शाहनवाज पार्टी से इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। लेकिन इस पर फिलहाल शाहनवाज हुसैन की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। दरअसल हाल ही में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने बिहार के सभी सीट पर एनडीए की जीत का दावा किया है। मोदी और विकास के नाम पर एनडीए के वोटर इस बार की लोकसभा चुनाव में वोट करने के लिए मतदान केंद्र पर जा रहे हैं। भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि पहले चरण के चुनाव में बीजेपी और इसके गठबंधन को जबरदस्त बढ़त मिली है। उन्होंने कहा कि इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है कि हम 400 के पार जाएंगे। सबने जाकर पीएम मोदी को वोट दिया है। जहां जहां चुनाव हुआ है, जो गरीब बूथ पर गया है उसे याद रहता है कि मुफ्त अनाज कौन देता है, मकान कौन देता है, कोरोना का टीका किसने लगवाया, आयुष्मान भारत का कार्ड किसने दिया, यह सब याद करके सबने मोदी जी को जाकर वोट दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी दुष्प्रचार में लगे हुए हैं कि संविधान खतरे में है, लेकिन संविधान की रक्षा और संविधान के उसूलों पर भाजपा चलती है, जिसे मतदाता भी अब समझने लगे हैं। उन्होंने कहा कि अब जाति धर्म के नाम पर नहीं बल्कि काम और विकास के नाम पर वोट करती है पब्लिक। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास को लेकर काम किया है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज। मिलते हैं।